एकदम से जवाब दो भैया, जे तो गजब है गयो, ये क्या हुआ है? एकदम कान लगे भाव का, अब गाड़ी को फैसले ही है गयो। अरे भैया जे बांध बूद के तैयार करो, जवाब दो रस्सा तो है ना। कान लगे जे लंबे जटन वाले जितने महात्मा है सो सबके जटा काटो और एक लंबा रस्सा बनाओ और रस्सा से गाड़ी बांध लो। नौजवान साथियों, जिन जिन के लंबे लंबे जटा हते ना, और जो हमारे महात्मा जी ऐसे हते सो तो मुस्कुराए रहे कि खूब काम बनवा बराबर है गए सब हैं। कर बांध बूंद तैयार, सुमिर करतार बढ़े आगे को। हाय हाय, बधिया नहीं मारे पावरे के हट रही है पाथे को। दीन शरीरन पीबे नीरन खा जाने को। रास्ता में दुनिया हसत देख बाने को। बांध बूंद के तैयार करी है नौजवानों, लेकिन बधिया आगे को कदम ना दे रही है। अरे कोई कह के कर की लकारे, जवान साथियों अब तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कान लगे भैया अब सामरिया के सिवाय गाड़ी को कोई चलाइए ना है। जवाब दो सामरिया के तो गाड़ी यहां का ना आएगा। अरे ने बैलों को सही कर, जवाब दिया बैल सही नहीं होंगे, इसलिए झाल संग उठा ले और सब भगवान को ध्यान धरना शुरू कर दो। भैया सब ने झाल संग उठा ले और बजान लगे और क्या कह रहे हैं, रेत गाड़ी अड़ी मो पे बेपता पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मो पे बेपता पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। बड़ी बंसी वारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मो पे बेपता पड़ी बंसी वारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। जो भैया झालर शंख बजायो का भयो, अरे भगवान कितने दयालु हैं। उस समय क्या हुआ, बूढ़े से ब्राह्मण बनिया रेला तक रही जिनके दाढ़ी। क्या बोले, तुम संत महात्मा हां के न जानो बिल्कुल गाड़ी। भगवान कहने लगे, महाराज लागे न बैलन की है ना, मेरे बाबा जी। हाँ हाँ बाबा जी, बूढ़े से बैल नाए चल रहे हैं, तुम काए को रहे भेराए बरियो। बाबा जी बैलन को कछु दोष नहीं, तुम पे गाड़ी नहा किया जाए। मेरे बाबा जी बैलन को कछु। एकदम से भगवान श्याम सुंदर बूढ़े से ब्राह्मण बन गए और कहने लगे, महात्माओ तुमने कहो गाड़ी हाकी है, इन बैलों को कछु दो सुनाए, तुम्हें हाक बे की तमीज ना है।
नरसी कहन लगे भैया तुम गाड़ी यहाँ के ले तो। भगवान कहन लगे हमारे दादे परदादे तो जुई काम हो तो आओ, अब तो बूढ़े हो गए तास हम भागवत पढ़न लगे ना, हमने रोज ईटे डारी भट्टा पे। एकदम जवाब दे तो मेरी गाड़ी हाँक दियो। भगवान कहने लगे यहाँ, अरे जब हम हाँकते रहे तुम लोगों की मुसीबत देख के भला कौन नहीं पिघलेगा, तुम महात्मा जरूर हो फिर भी इंसान हो। ऐसा बढ़ के श्याम सुंदर ने हाथ में पेना ले लिया और गाड़ी पे बैठ गए। हाय बदन की पेना मारियो ना पाओ, हवा ते बातें करने लगी भी तो ऐसे सतर कान करके और दोनों उड़े। भगवान ने 10 खेत गाड़ी चलाई और गाड़ी चनती हो जाते और पीछे करके महात्मा हाँ बैल चल रहे हैं हाँ हाँ, अरे भैया तुम्हारे हाथ में जादू है, देखो हम पेना मार मार मर गए, एको बदन कदम ना बढ़ाओ। भगवान कान लगे महात्मा हाँ तुमने कहू सिनेमा देखो सिनेमा। नरसी कान लगे सिनेमा हमने तो कहू नहीं देखो, हम तो जो नहीं जानते सिनेमा कैसे होते। भगवान कान लगे तो सिनेमा हम दिखाए तुम्हें, आहा दिखाओ। तो तुम जितने गाड़ी में बैठे हो सब आंखें बंद कर लो। नरसी कान लगे बहन चोजा कौन सी रील है जो आंखें बंद करके देखीजिए, हाँ आंखें बंद कर लो सो सिनेमा तुम्हें दिखाई देंगे। क्या करो, अरे साधु न के ने न मिटाए भैया कौन सा नगर है, बुई नगर है जहां में तुम आओ चाहता थी। अरे भैया जो सिनेमा मैंने कभी ना देखो। भगवान कान लगे अबे तो तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट रही है और बालकनी की लव चाहो तो अब की आंखें फिर बंद करो। तो बालकनी में गर्दन में दर्द नहीं होता है, आंखें आप बंद करो। साधु ने कही चलो बालकनी वालू देख ले, फर्स्ट क्लास वालू तो देख ही लाओ। हाय भोले भाले ना समझ पाए जो अखियां बंद करी और हम ना कहे तोलो मत खोलियो कि आहा हाय हुई है अंतर ध्यान रे हूं अनते बना बारी भैया, अरे गाड़ी वाले भैया अब मैं आंखें खोलू ना, अब कोई हो तो बोले सब अंधे बने बैठे गाड़ी में, ये कान लगो काय को चूतिया बनोए, अरे पागल है गयो। अरे जे तो महात्मा हमें तुम्हें नचाए रहे है। महाराज नेत्र जब दादा उघारे और गाड़ी सोनी परी के रमिये बंसी बारे, ओरे मुरली वाले श्याम के झटका कैसो दे गयो है, कैसो दे गो है के झटका कैसो दे गो है, ओरे अब पागल आधार के खटका तो तुम है गो है, ओरे ओ पागल आधार के खटका तो तुम है गो है, तो तुम है गो है रे के खटका तो तुम है गो है, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। हाँ भैया जो नेत्र खोले हैं तो मुरली वाले से हम रम चुके थे। नरसी कान लगे भैया गाड़ी वाले को तो पता ना है, एक महात्मा कान लगो कछु भाव चाहे रहे चाहे चलो जाए जा आनो हतो ता आए गए। इधर भैया सिर सागर के नर नारे एकदम झारे देख बे को आए और बाबा जी को देख के बहुत तो मोटी क्या है भैया,
क्यों आए और नरसी के ढिग जाए के बचन को जब फरमाए एकदम से नंगर के निवास नरसी जी के पास आए और पूछने लगे भैया कहां को जा रहे हो। जवाब दियो है अरे मैं सिरसागढ़ में मनसा सेठ को भात भरवे को आया। एक कान लगा जब भात आता कि सामा कहां जा मैं तो कमंडल और चिमटा भरे जब गाड़ी में माल तो नजर ही ना आ रहे हो। और एक कान लगे भैया जो दिखत पूरे संत जात कौ अंत करण को मेला भूरी दाढ़ी बालो गुरु और सब चेला एक कहे समझाई पूछ ले जाए न करियो झमेला अरे जावे और कोई बहलन को डर पावे और नरसी मन बहुत लगावे कोई तो कह रहे हो जो भूरी दाढ़ी वाले गुरु हैं और सब चेला हैं। कोई कह रहा है भैया जाके पूछ ले जो कौन है। इस तरह से लोग जब पता लगा लेते हैं कि वास्तव में जो नरसी हैं सो मनसा सेठ के पास में लोग पहुंचे और कहन लगे सेठ जी हाँ तुम्हारे समधी साहब आए गए। समधी साहब हाँ कौन समधी नरसी। मनसा सेठ कहने लगा कैसे आए हैं। जवाब दो आए तो ज्यादा अच्छी तरह है। जब ते मोहल्ला में आए तब ते हो करके कुत्तन के पेट फूली आई। इसका मतलब बेहरुपिया है। जवाब दिया बेहरुपिया नहीं है उसके साथ में महात्मा ही महात्मा है। तो बंधुओं मनसा सेठ जल गया है और कहने लगा सुनो सुन के तने बेन सुरक भय नैन बचन फरमाओ नरसी न शेर में धसे रे आलग तो बने अरे अलग ठहरइयो अलग ठहरइयो अलग ठहरइयो अलग ठहरइयो बाबा न शेर में धसे रे ना सके और वहां से हमारी गैयन के खरक है ना उस खरक में जाके ठहरा दो। मेरे बंधुओं आज नरसी के ठहरन को बाहर दीनो खरक बताए जा था गैयन को खरक मिल को फरक नगरते भाई जा हरियल ठाड़े वृक्ष उरे के रहते जो लहराई ऐसी जगह थी वो सुंदर बनो सुखदाई जा भूमि महारमणी करई छवि छाई जा भूमि बड़ी रमणी करई छवि छाई मेरे बंधुओं भगवान शंकर मंदिर भी है वहां हरे हरे वृक्ष खड़े हैं। आर भक्त नरसी बड़ो प्रसन्न है गयो ऐसी जगह पाए के अरे कोयल कूकत बादन में कोयल कूकी
बागन में आए रही मधुर सुगंध फूलन में। फूलन में और भक्त अब खुश भव मन में। बाजी पे हुक्म हासिल कीजिए, बाजी बेर पाजी की अनेक बात सही है। बाजी बेर साला दो साला दान कीजिए, बाजी बेर कमल को टूक ओढ़ रही है। बाजी बेर भोजन अनेक बार कीजिए, बाजी बेर भूखो सोए के तू रहिए। और आधार मत हिम्मत को हारिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। धीरे धीरे नरसीन कर दो हमे काम, अरे कछु धीरे धीरे नरसीन कर दो मधुरो काम। जन झार के चटाई दारी, झार के चटाई दारी और वहां की घास बुहारी। अरे सब बैठे महात्मा, अरे सब बैठ गए महात्मा, अपनी तो धुन में रहे न जाए। अरे कछु धीरे धीरे नरसी तो आगे रहो मुस्कियाए। नौजवान साथियों, आज भक्त नरसी जो हैं इस तरह से चटाई डाल लेते हैं और बैठ जाते हैं और ये रामा की शास्त्र में मोहल्ला में चुगलियां तो दो चार होती हैं जो नकटन को जे काम क्यों कर रो। दो चार औरतें पहुंची कहने लगी, बहना ते समझ ने तो तुम ना कहीं कटाई दई जिया, ऐसे आओ कि कुत्तन के हो करके पेट फूली है, हाथ नचा नचाए हाइडुकरिया तो भन्ना ही आई। और जो भन्ना के रामा के बहु डरा, रामा डराई गई और एकदम बाहर निकली। अम्मा दांती को पीस के कहने लगी अपनी कल मुही जबान से, अम्मा ने कहे रामा की सासुर साई के धुदलाई गिराऊ चारी। बहुअर तेरे बाप ने बात रे मेरी दूरी अज कर डारी। बहु कितना रोका मैंने, अरे नाला तू नहीं मानी, तूने मेरी दो पैसे की करवा दी है। लई बे शर्माई ओड़ शर्म दई छोड़ भिकारिन सारी, भिकारिन सारी। सुन सुन के रामा मर रही रे सारव की भैया मारी। मैंने पहले ही मना किया था कि तू मान जा और तू नहीं मानी, उसने आकर मेरी दो पैसे की बात करवा दी। ओ कल मुही अगर मेरी इज्जत चाहती है तो उस नालायक से कह दे कि वो यहां से चला जाए। मेरे बंधुओं, नहीं बोली वो दुखिया, अरे बिटिया छिपी के रे सा सुलते। और मिलबे को चली रे बा बोलत, अरे जकी चूनरी भीन गई है जलत।
मेरी सास से छुप करके जब देखे बेकू चली कि मेरे बबुले ही आयो है या कहूं कि और महात्मा खड़क में आके ठहरी। बंधु खड़क के दरवाजे पर जिस समय रामा पहुंची है उस समय देखा था कि मुड़िया भस्म रमा बैठे हैं। अब रामा जय सोच रही देखो आज 25 वर्ष हो गई है रामा को, अपने बाबुल को नहीं देखा था उसने, और इधर नरसी पर बहुत बुढ़ापा आ चुका था, बाल सन की तरह सफेद हो गए थे। रामा सोचे खड़ी फिक्र बड़ी खड़क बैठा दी, जहां बैठे साधु संत उड़े के लटकत जिनके दारी। नरसी ने भी पहचान रे गोद में जब बैठारी, नरसी ने लली पहचान के गोद में जब बैठारी। एकदम से भक्त नरसी ने जो अपनी लली को देखो झपट के गए और अपनी बाहों में भर लिया अपनी लाड़ो को, कलेजे से लगा के गोदी में बैठा लो बिटिया रामा पहचान लो मोए। अपने बबुला के चेहरा को देख करके रामा नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा गई और कहने लगी पिताजी तुम्हारी ये क्या दशा है, जब मैंने मेरी डोली को तुमने उठवाया था दरवाजे से तुम्हारा चेहरा सूरज तरह दमक रहा था, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, मेरी मैया कैसे है। नरसी कहने लगे जो मेरी दशा है सोई तेरी मैया की। मानो रामा के कलेजे फट गए हो और एकदम से कहने लगी पिताजी जब तुम्हारे पास कछु ना आया तो जब हाथ में ना तुम्हारा कहा डरो तो तुम ही नाते तो मेरी इज्जत तो बच जाती। अरे कुन बागो ताको बबुला कोई न संगे आओ रे, चाचा और दाऊ को बबुला कोई न संगे आओ रे, मुड़िया साधुन बाबुल संग में अरे तू लाओ रे। और मेरे सासुरा को तूने मानो अरे घटाओ रे, और होता सवेरे जा से रम जा मेरे दाऊ रे। परिवार को तेरी संग ना, अगर ना कछु घर में आते तो तुम घर में बैठे रहते पिताजी। नरसी कहने लगे बिटिया आज तोते में देखे तुम उसे बुरे बोल रही है, 25 साल बाद मुझे मिली है तू। रामा कहने लगी मैं नहीं मुझे तो पूछो, जा दिन से तू आयो जब जितने समय से तू आयो का दिशा है मेरी। मार पेट में था पुअरे मेरे बाप कहा तो कुभ्यासी, तूने भली कराई दैया रे शहर में बबुला हासी। मेरे सासुर बोले बोल कलेजे को छोल लगे जस गासी, मेरे मन में ऐसी याद मरूं दे फांसी, मेरे मन में ऐसी याद मरूं दे फांसी। जब से आए हो तब से मेरी सास ने हमें सुख से पानी ना पीने दो बबला, इतने वचन जो सुने तो भक्त नरसी कहां लगो बेटी घबराए नहीं, और तूने आज मेरो ऐसो अनादर करो लेकिन तू याद कर ले एक दिन ते साऊ कार सुता कर ख्याल ब्याव तेरो कियो, मैंने लाखन को धन माल री दान में मिटिया दियो।
पे गरीबत आएगी तासु तू मेरी छाती छोड़ रही है लली। मैं बोई तेरो बबुला हूं जो जब तेरी डुलिया उठाई थी तो लाखों का धनमाल मैंने दान में दे तो। आज मेरे पास दौलत नहीं रही जासु तू ऐसी बुरी बातें कर रही है। और क्या बोले हैं भक्त नरसी, रोबे मत रामा प्यारी तेरो बाप भरे भरे बनवारी है बन बिटिया घबराने की कोशिश मत कर। जाने भारी के अंडन पे गज घंटा डाल दियो, जाने द्रौपदी की लाज बचाई ली। बोई कन्हैया तेरो भात भरेगो। एकदम से रामा कान लगी यहाँ बछलिया को नाव मती ले बबूला। जाने जनानो भेष धर के भस्मासुर मार दियो, नरसिंह रूप धान करके बाने हेड़ा का सबको मार दियो। वो मेरे दरवाजे पे कभू ना आएगो। ऐसो कौन कौन को भात देगो कन्हैया। अरे बबूला तूने मेरी दो पैसा की कर दी है, तासो ऐसो करिए अगर तेरी आंख में पानी हो तो जल सवेर हो तो तू जानते चलो दे। कहने लगा है भक्त नरसी बिटिया, सदा चमन ना खिले एक दिन मिला धूल में काया, जग चलती फिरती रात ब्रश कैसी छाया। सदा चमन ना खिले एक दिन मिला री धूल में काया, जा धूल में काया, जग चलती फिरती रात ब्रश कैसी छाया। सोई पछताया जवाब दिया है ओ बेटी, ये दौलत काव के नाय रहते। अरे जाने गर्व करो है सोई दुनिया में नाय रहे हो, जब जैसे वृक्ष की छाया चलती फिरती है और ऐसे ही जब माया चलती फिरती है। आज मेरे पास दौलत ना तासु तू इतने कड़ुए बोले बोल रही है रामा। एकदम से आंख में आंसू भर के कहने लगी, पिताजी मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब से तुम आए हो तब से मेरी सास ने मुझे सुख से पानी नहीं पीने दिया और यह कहती है कि तू जल्दी यहां से चला जा, बस मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। सोई भक्त नरसी रोने लगा, कहने लगा, बेटी घबराए नहीं, भगवान तेरो भात जरूर भरेगो। कान लगी, जाने कैसे भरेगो। भक्त नरसी समझाए रहे हो, बड़ो दयालु है, बाई के पीछे तुम्हें नंगा है गयो, कब मेरी लाज ना बचाएगो। विश्वास रखो बेटी, वो इतना दयालु है कि वो तेरो भतैया बन के जरूर आएगो। आज रामा कहने लगी, बबूला ऐसो करिए जो बकियो आने की उम्मीद न हो तो तुम तक कालो मो करके चलो जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ तेरो भात, तेरे भात बिना मेरे कछु ना बिगत। हाँ मैं नहीं जानती कि तू इतो नंगा है गयो। आज भक्त नरसी जो अपनी बेटी को नाना प्रकार से समझा देते हैं और रामा को भी कुछ संतोष आ जाता है, तो रामा जो है ना अपने बबला के गले से लग करके मैया की कुशल पूछती है और मैया की दशा को सुन करके रामा बहुत रोती है। समझाया कि बिटिया को खरक में से विदा कर दियो। और जो आंगन में पहुंची है वह सासु राण को जन कैसे भनक पड़ेगी कि जो डोले आई सो भक भका सामने आएगी, कान लेगी ओए आई है बत के आई के चुके ना है। सोई रामा कहने लगी, मैया मेरो बबुला सली फकीर वे सुनो, मैया मेरी सुनो, सासल मेरी सुनो, अम्मा मेरी कांते लाभ दखनिया चीरे जी। दखनिया चीरे दी।
सुनो, सासुर मेरी सुनो, बुढ़िया मेरी बाटका उन्हें पियायो नानी रेती। अम्मा मेरी सुनो, जननी मेरी, मेरो बबुला असल भागी रे। मैया मेरे बबुला के पास कछुना है, कछुना तो हिन्न कटा आयु काय को है। अरे घर ही बैठो रहा तो जरौड़न मेरे लोग पी के धल्लो। रामा गान लगी, मैया वैसे तो माह को महीना है। मेरो बबुल करे सनान, सासुन के भेजवाए दे पानी। बूढ़ी काया है, बाकी सर्दी न लग जाए मेरे बबुला को, पानी भेजवा दे। जा दिन तो बापू ने पूछी बात सासु का, उने डर के होका तक नहीं दो तो डोम है जाना। जकोरी ना है पास खरक में बास लौटा उने, ऐसी का बोदी करी मेरे दाऊ ने, ऐसी का बोदी करी मेरे दाऊ ने। मेरे बबुला को नेक गर्म पानी भेजवाए दे, तासु मेरे बबुला स्नान कर लेगो। एकदम से सास तो बेसुई जली भुनी बैठी थी, सो कह के चढ़ा तुझे हंडिया और इतना खोलता हुआ पानी ले जा जो नकटा के शरीर पत्ते पत्ते फपोला पट जाऊ, पक्को साधु बना दे हराम जा। देखो भैया गर्म पानी मेरे बंधुओ एकदम से जो भेजो है, जो नायन लेके पहुंची ले महात्मा जी स्नान कर ले। नरसी कान लगे, अरे भैया अब समझने लो चपे आई, पानी भिजवाई रही। जो नरसी ने हाथ दबा में एकदम जल गो से निकाल लो। क्यों नायन इतना गर्म पानी? नान कान लगी ने कहो समराओ ये जू तो ये ठान लगो। अरे नंगटा ये खैरियत मना जो पानी आ रहा है। एकदम से भक्त नरसी कहने लगे, बेहा अगर तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लगेगा, इतना गर्म पानी। नायन कान लगे, तूने जे कपड़ा काहे को डंगी? अरे जल तब करके बरसाए ले। जवाब दे रही है, अरे जल तप करके बरसाए ले और ठंडो करके बाह में हनाए ले। अरे इनका झाल रे शंख बजाए ले और कछु गोविंद के गुण गाए ले। सही महात्मा है तो पानी तपस्या के द्वारा बरसा ले और इसको ठंडा करके इसमें स्नान कर ले। नौजवान साथियों, औरत की जबान गोली से बढ़कर काम करती है, चाहे साधु हो या साधु हो। बड़े बड़े शेरों को पछाड़ने वाले मिल जाएंगे, मगर स्त्रियों ने अपने कटाक्षों से उनको भी घायल कर दिया। कैसा भी कटाक्ष आही के तो काटत चढ़े जे चितवत चढ़ी जाई। सांप काटता है तभी जहर चढ़ता है, लेकिन स्त्री के निगाह से ही इंसान का शरीर घायल हो जाता है। आई के तो काटत चढ़े जे चितवत चढ़ी जाई। नारी की बोली गोली सी घायल देत बनाए। याद रखना
दस डग सांड और 20 डग कुत्ता, 100 डग नार और 80 डग फुक्का, इतनी दूर रहो इनसे। जो झाल और शंख को उठा करके प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित किया है, क्या हुआ? अरे घन घोर घटा घेरानी, अरे घन घोर घटा घेरानी, और अब बरसन लागो पानी। बरसों में हके रुकी आई मोरी, रामा की नंद की डूबी आई छोरी। पानी बरसा, आंगन भरिया रामा की नंद की छोरी आंगन में खेले, सो मोरी ते अटकी आई जाए, बह गई होती जो ने को चोरी हो मोरी। अब नायन तो गोता लगाते, बब चलो इना जा तो अंगेला नेक बरस सो दब डूबी जाती। जब दिशा होगी बन नकटी को तो घर जन कैसे मिलो होए, वह तो बह जाने। अब लोगों ने समझा कि वास्तव में भक्त नरसी भक्त ही है, तो आज पूर्वासी सब एकदम समूह बांध करके चले हैं और भक्त नरसी के सामने त्राहे त्राहे करने लगे, महाराज इस माया को समेटो। इधर भात का समय आ रहा है, इधर द्वारकाधीश कुबेर भंडारी को हुक्म देते हैं, कुबेर भंडार में जितना भी सामान है सब सामान लेके चलो, तो मेरी भगवत प्रेमियों 56 रथ भगवान ने ला दे, 56 रथ सामान के। रुक्मिणी कहने लगी हमें भी लाए चलो। कहने लगी तुम्हारी क्या हुआ जरूरत है? रुक्मिणी कहने लगी तुम मर्दों को भात पहनाओगे तो हम औरतों को भात पहनाओगे। चंदे मेरे भगवत प्रेमियों, जब खड़क में आए हैं भगवान श्याम सुंदर तो लोगों ने पूछिए भैया कौन हो तुम? भगवान कहने लगे हम नरसी के मुनीम हैं। आप नरसी के मुनीम? हाँ। हमारे सेठ जी कहाँ हैं? मेरे भगवत प्रेमियों, जो भक्त नरसी को सूचना दी है तुम्हारे मुनीम को ही आए हैं, वो मुरली मनोहर मुस्करा रहा है। भक्त नरसी झपट के आ दोनों पैर पकड़ लिए और कलेजे से लग जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने भक्त को कलेजे से लगा लियो, गदगद कंठ हो गया। भगवान को निहार रहे हैं नरसी और रोए के बोलन लगे स्वामी बड़ी देर में खबर लेता, कुगत करबे में कसर नहीं राखी। सोई भगवान कहने लगे हे भक्त मेरे ऊपर दोषारोपण मत करो, बड़ी देर में खबर नहीं लेता हूं मैं। कैसे? सुनो तुमने ये मेरे ऊपर दोष लगाई दिया, सुनो भैया। और से रसागड़ से नाई जब तेरी तिथिया लेके आओ रे, तुम कह रहे हो देर में खबर लेते हैं। से रसागड़ से नाई जब तेरी चिट्ठिया लेके आओ रे, और बात नाई को मैंने घर तेरो बतलाओ रे। और नाई के खाने को जब तू बथुआ तोड़ के लाओ रे, और तू से पहले जाए के मैंने भोजन भाई जमाओ रे। जब तूने मोते ध्यान लगाओ रे, और गाड़ी हाक के मैंने तुझे सिर सागर में पहुंचाओ रे। और समय भात को आएगा मैं तो
हम तो तुम्हारी खबर सदा लेते हैं और भक्तों की खबर ही तो मैं लेता हूँ हमेशा। हाँ बंधु याद रखना है। अब क्या विचार है? कुछ नहीं महाराज, अंदर पदार्पण कीजिए। कहने लगे पदार्पण बाद में होगा, भात का समय आ गया, भात लेके चलो। पहले मनसा सेठ का ये ऋण चुकाना है, उसके बाद में विश्राम करना है। भक्त नरसी कान लगे महात्मन से उठाओ पापा तोमा सूटा, चलो जुई काम पहले कर दियो। बड़े खुश हैं, झाल शंख बजाते भाई जा रहे हैं, भगवान पीछे पीछे जा रहे। रुक्मिणी मन ही मन मुस्कियाए रही हैं, चुंदरिया उठन में लगाए हुए सोच रही हैं इनके भक्त कैसे विलक्षण है। दरवाजे पर जो आए हैं भक्त नरसी, रामा को पता लगो सामरिया भतैया आए गए, सोई आरती लेके रामा दरवाजे पर आएगी। मंडप के नीचे भगवान श्याम सुंदर पहुंचे, आज रामा अपने भतैया के चेहरा को देख रही है। कितना सौभाग्य उसका, संसार के पिता को नजर भर के देख रही जो भतैया बन के आए। भगवान कहने लगे सेठ जी को बुलाओ, और नरसी को इशारा दिया है कि वो चिट्ठी निकालो जो खत भेजा था इन्होंने तुम्हारे लिए। भक्त नरसी ने अपने फटी भाई झोली में थे वो चिट्ठियां निकाली, लंबी सतर फैलाई लई है और एक एक अक्षर पढ़ते जाओ। और पहलो अक्षर नरसी जी ने धर के जो सुना रे, धनिया पहले इन्होंने लिखी थी। एकदम कुबेर भंडारी को इशारा दिया कि 200 मन धनिया इसके सामने डाल दो। और आगे अब पत्र को दोबारा फिर पढ़िए ना महाराज बोई, ना 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 इससे आगे, अरे सौ मन मेरे जाने नाथ जो लिखाई रे, और 200 मन मेरे चिन्ह को जन दो ढेर लगाई रे। और क्या, और सौ सौ मन की जगह पे दोनों कर निबटाए रहे रे, और मन शादी तो ठाड़े ठाड़े मन में अजुला जाए रहे रे। याद रखना, यह नहीं समझ में आता है कि कहां ढेर कितना लंबा है। कुबेर भंडारी सब काम पूर्ति से करता हुआ जा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इस तरह मनसा सेठ के दिल में मानो छुरी चुभ रही हो मगर कुछ आवाज नहीं दे रहा है। अब जवाब दिया है ठीक है, यह तो सब निमट चुका है, जो जिस तरह से लिखा था उससे दुगना करके भगवान ने निपटाया। मनसा सेठ जी कहा इधर आ जाइए, पहले आपको भात पहनाया क्यों, घर में आप सबसे बड़े हैं। सामने पहुंचे, नरसी जी को इशारा दो समधि को भेंटो। 11 करोड़ की अंगर खीरे नरसी के हाथ गहाई, अंगर की कीमत 11 करोड़। जब हीरा पन्ना दमकत है सुन ले मेरे भाई, मनसा की कन्हा पे डार मोस गरीब की भेंटक समधि कर ली जो स्वीकार। भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है, भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है। महाराज इस तरह खुले छूटे हैं और देख दशा मनसा के भतैया बन के आयो है, अजमू बंसी वालों श्याम भतैया बन के आयो है।
चादर लगाई जी जिसमें हीरा पन्ना जवाहरात धमक रहे हो, इतनी इतनी कीमत की चीजें जो है ना आज नरसी के सामने जब भगवान पेश करते हैं और वो नरसी अपनी मनसा सेठ समधी को देता है और हाथ जोड़ के कहता प्रभु मैं बहुत गरीब हूं। मनसा की गर्दन नीचे झुक गई है और इधर रुक्मिणी को इशारा दे रहे हैं भगवान खड़ी खड़ी मौका तक नहीं हो, 3600 जात की मौजूद हैं, सबको इतना ही कीमती पहनाओगी जितना कीमती का मैं सेठ जी को पहना रहा हूं। बंधुओं इधर रुक्मिणी स्त्रियों में चिपट गई हैं और इधर समधी साहब जो पीछे हटे हैं। नरसी जी जरा अपने समधन को बुला लो और चिट्ठी में ये देखो कि क्या लिखवाया इन्होंने। हाय बन्ना कटी ने तो सिलवट ना लिखाओ तो एक मन को सिलवट नारे सोने को इने गहाओ सुंदर एक चुंदरिया हर ने रुक मिने हाथ गहाई रे और 7 करोड़ की कीमत अब कुबेर ने वा समझाई रे और हीरा पन्ना से दमकत जगी चमक कही ना जाई रे और सुंदर सो धांगरो एक समदिन क्यों दो गहाई रे और 11 लाख की कीमत आए घांगरे की राम बताई रे और दशा देख के समदिन नीचे को गई निगाह झुकाई रे से नौजवान साथियों समधन को भात पहनाया है और रुक्मिणी से कही अब तुम पीछे हट जाओ अब नंबर हमारा है। रुक्मिणी के पति गणपत को इशारा दिया है इधर आ जाइए बहनोई साहब, देखिए भगवान आज साले बन गए, भक्तों ने उनको नाना भात नचाया, जहां जो बनाया वही बन गए। आ जाओ अब हमारा तुम्हारा नंबर है। ए बन गए रे भतैया घन श्याम पता पे ठाड़े बने बारी ए गणपत जी को आगे बढ़कर हर ने लियो बुलाई गणपत जी को आगे बढ़कर हर ने लियो बुलाई ओ सुंदर एक अंगरखी अब तो दिन हाथ गहाई हंस गए रे हम में हंस गए रे हुमन पे श्री मान बटा पचारे वाने वारी बन गए रे हम में बन गए रे भतैया घन श्याम बटा पचारे वाने वारी अरे अरबन खरबन की दौलत सब वहां पे रहे लुटाई अरबन खरबन की दौलत जब वहां पर रहे लुटाई दशा देख के आज तो भक्त की सेठ रहे मुस्कियाई नीचे कर गए रे हम में कर गए रे नीचे को जे तो नैन पटा पटारे वाने वाली बन गए रे
गणपत को भात पहनाया। ये रुक्मणी लगी हैं, हर स्त्री को उतनी ही कीमती चीज दे रही हैं जितनी कीमती चीज भगवान मुरली मनोहर दे रहे हैं। अब नंबर आ गया है, इशारा दिया है, बहन अब इधर आ जाओ। रामा सामने पहुंची है, नेत्रों में आंसू भरे आए रामा के। रो रही हो तुम? हाँ भैया, मैं इसलिए रो रही हूं, तुम्हारे भक्त को लोग इतना दुख देते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान कहने लगे, नहीं कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है, तुम्हारो बबुला जो नरसी मेरी गोदी को खिलौना है, तुम्हारो बबुला जो नरसी मेरी गोदी को खिलौना है। अरे आधार तज के मोहक को तू हर को भज ले रे, हर को भग ले रे, उठेगी दुनिया जे तेरी तेरा आखिरी तो गोना है, उठेगी दुनिया जे तेरी तेरा आखिरी गोना है, कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। ये तो सब कसौटी पर रख करके इनकी परीक्षा ली जाती है। अब लीजिए बहन, 70 करोड़ की चूनर हर ने हाथ में उठाई, कीमती भात आज बहन रामा को पहनाया है। ये भात का समय 10 बजे से शुरू हुआ बंधुओं, सुबह 4 बजे तक भात पहनता रहा है। अरबों की दौलत भगवान जो है मनसा सेठ को देते हैं, गर्दन नीचे को झुक जाती है, ऊपर गर्दन नहीं उठा सके। जब भात पहना दिया और हाथ उठा के भगवान बोले, कोई रह तो नहीं गया? सबकी गर्दन नीचे को थी और जवाब था कि कोई नहीं रहा। आसन डाल दिया मनसा सेठ ने, भोजन पाली जो भगवान कहने लगे नहीं। नरसी कहने लगे, हम अपनी बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीना पसंद करते हैं। भगवान कहने लगे, हम अपनी बहन के यहाँ जल नहीं पीना चाहते, अब हमें विदा कीजिए। सब लोग भगवान के पीछे चलते हैं विदा करने के लिए। गांव के बाहर तक इनको विदा किया गया तो सवेर होएगा, पीरी फटे गई। सो बेटरियां जो रात में भात आत पहने भी कहीं सुजगती तो रही, उनके अवकाश हुए, चलो गोबर कुरु कर ले। सुबह चमकनी चमकनी चुनरियां पहने और गोबर कूरो करते फिरे, और कच डुकरियां ऐसी होती जो ज्यादा खा लो सो सोसे आई नहीं, रात में पहुंची ना। सो जो उनने देखो कि ओ इन कटी ते बाप तो बनाए गरीब हुए, जे चुनरिया इतनी कीमती नई नई, और फिरो तो मसारी कांत चुराए के लाई ओ दारी, बता दे तेरा बाप तो इतना गरीब है और जे नई नई साड़ी होई फिरती नकजी कहां से दुकाए लाई हो। एक मोड़ी ठाड़ी होके कान लगी, ओ भसूड़ी तू कहां रही, हमने तो बहुत ढूंढी, कहां भाव तो पतो ही ना, रात में सामलिया आओ और सबे तो ये तो भात पहनाओ।
हाय पांच छह डुकरियां जो नए पहुंची सुकान लगी कि बिटिया फिर गाओ की है अभी हाल तो गए ही भात पहना है कि जय दड़े मैं रथ गाओ। जो डुकरियन ने सुनी हाय उन लहंगटन को कछूटा मारो भज दो भाजा भाज लगी। अब कान भजन डुकरियां फसू कर डारी गई सोई ठारी हो गई एक खेत रथ रहेगा सोई चिल्लान लगी अरे सामलिया ठाड़ो है जा अरे सामलिया ठाड़ो है जा और कछु होए तो मोगू दे जा और ना होए तो फिर की कह जा अरे कछु होए तो मोगू दे जा और ना होए तो फिर की कह जा में ना रातें मैं आ पाई हूं निक मोह कछु दें जा और ना हो तो फिर की कहें जा। कन्हैया ने एकदम कहे कुबेर रथ को रोक दो। पूरी रात हो गई भात पहनाते रहे और इस तरह से इतनी बुढ़िया ऐसी बनी रही सिरसागढ़ में जिनको भात ही नहीं पहना पाया। जा सवा पहर तक सिरसागढ़ के अंदर हुंडी की बरसा करवा दो। ओ खनन खनन खंडाय रे हुंडी न बरसा करवाई गली गली कूचे कूचे दौलत से भर दिए भगवान ने। इस तरह से भक्त नरसी को वाद दे करके श्याम सुंदर दोहर का धीश नरसी के साथ दोहर का धीश के लिए कितनी भारी मुसीबत थी मगर उस मुसीबत को हल करने में जरा भी देर नहीं लगी। इस तरह से वाद दे करके भगवान श्याम सुंदर चले गए। मैंने नरसी भक्त की कथा रे जल्दी में सुनाई गई गागे और घड़ी चेतन है नाम यादव कुल में जन्म भयो है पुन पुन मेरी प्रणाम महाराज आपके हूं चरणों का दास छोटो सो गांव खुरदन को नंगला है कुर्रा के पास सही दो चावरा थोर कैसे ले लीजे कथाओ नहीं मैं सुन लीजे और प्रभु के सुंदर वसीले अरे कथा को